हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्री शिल्पा। आज हम बनाने वाले हैं बहुत हेल्दी, यमी, टेस्टी एंड वेरी इजी टू प्रिपेयर पालक पनीर सब्जी, और यू कैन कॉल इट भुर्जी। मैंने यहाँ पे एक स्टील की कढ़ाई ली है जिसको मैंने लो मीडियम हीट पे रखा है, और हम इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, और अब इसमें डालेंगे 2 बड़े कटे हुए प्याज। प्याज को हमें थोड़ा सा ट्रांसलेंट होने तक भुनना है। जैसे अनियन थोड़े से पकने लगेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गार्लिक, और गार्लिक डालने के बाद अब वापस इसको करेंगे मिक्स। थोड़ा सा और भुनेंगे ताकि वो जो रॉ स्मेल होती है गार्लिक की वो चली जाए। और अब डालेंगे हम ग्रीन चिली पेस्ट एज पर आवर टेस्ट। मैं कम ही यूज़ करती हूँ बिकॉज हमारे घर पे सब कम तीखा प्रिफर करते हैं। तो अब इसमें डालेंगे ग्रीन चिलीज और वापस से करेंगे सॉटे। यदि हमारी मेन सुपर फूड की दैट इज स्पिनेच, मतलब पालक। मैंने यहाँ पे पालक लिया है जिसको मैंने 2-3 बार अच्छे से वॉश किया है एंड देन रफली चॉप किया है। एंड मेक श्योर आप कोई भी लीफी वेजिटेबल्स यूज़ करते हो तो उसको 2-3 बार एटलीस्ट वॉश करें, बिकॉज उसमें कुछ पेस्टिकल्स हो सकते हैं या फिर मिट्टी होती है जो अच्छे से क्लीन हो जाए। अनियंस तो अच्छे से सॉटे हो गए, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं पालक। अब हम पालक को अच्छे से सॉटे कर लेंगे ताकि वो जल ना जाए, एक साथ मिक्स कर देंगे। यहाँ पे मैंने गैस लो हीट पे ही रखा है और इसको लो हीट पे ही मैं सॉटे करने वाली हूँ। जैसे जैसे स्पिनेच पकेगा वैसे इसका क्वांटिटी तो रिड्यूस होगा, और हमें इस पर ढक्कन बिल्कुल नहीं रखना है बिकॉज स्पिनेच हैज मोर वाटर कंसिस्टेंसी। आप देख सकते आफ्टर सम टाइम ये पानी छोड़ने लगा है, तो स्पिनेच इसी पानी में कुक होता रहेगा। और वैसे भी लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर वो सेमी कुक भी हो तो भी वो टेस्टी लगते हैं। सो एज़ पर योर चॉइस आपको उसको कितना कुक करना है। तो अभी इसको मैं 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ने वाली हूँ। अब हमारा स्पिनेच मतलब पालक ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट एज़ पर टेस्ट। मैंने पहले सॉल्ट इसलिए डाला था क्योंकि पकने से पहले स्पिनेच की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा थी, और अब आप देख सकते हैं कि इसकी क्वांटिटी रिड्यूस होकर एक प्रॉपर लेवल पे आ गई है। तो अब हम डालेंगे इसमें भुना हुआ जीरा और वापस से इसको कर लेंगे सॉटे। अच्छे से मिक्स होने देंगे, और अभी थोड़े और 1 मिनट के लिए मैं उसको कुक करूँगी। हमारा सेकंड सुपर फूड है पनीर। यहाँ पे मैंने ग्रेटेड होममेड पनीर यूज़ किया है। जब भी आप पनीर यूज़ करो मेक श्योर कि वो अच्छे क्वालिटी का हो। तो अब इसको डालेंगे हम अपने पालक की सब्ज़ी में। स्पिनेच और पनीर एक ऐसा कॉम्बिनेशन है विच इज़ वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिएंट, और साथ ही साथ बहुत यूनिक टेस्ट आती है, और बच्चों को तो इसे ज़रूर खिलाना चाहिए। आपको इसको डेली डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए बिकॉज इट इज़ लोडेड विथ प्रोटीन, आयरन एंड मेनी मोर विटामिन्स, प्लस विटामिन के विच इज़ गुड फॉर ओवरऑल हेल्थ एज वेल एज हेयर एंड स्किन। तो अब मैं गैस स्विच ऑफ कर दूंगी बिकॉज हमें पनीर को ओवर कुक नहीं करना है, और ये ऑलरेडी ग्रेटेड है तो ये जल्दी इसी स्टीम में कुक हो जाएगा। See how yummy and creamy it's looking. तो अब हम इसको कर लेते हैं बाउल में शिफ्ट। सो हमारी हेल्दी यम्मी पालक पनीर सब्जी इज रेडी टू सर्व। इट टेक्स ओनली 10 मिनट्स टू प्रिपेयर दिस हेल्दी सब्जी। सो गाइस मेक श्योर दैट यू आर इंक्लूडिंग इट इन योर डेली डाइट बिकॉज इट्स लोडेड विथ प्रोटीन, आयरन एंड मैनी मोर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बच्चों से लेके बड़ों तक सबके लिए हेल्दी है। मैंने थोड़ा सा पनीर साइड में रखा था ताकि मैं उसको गार्निशिंग के लिए बाद में यूज़ कर सकूं। तो हमारी ये हेल्दी रेसिपी और अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग लगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टिल देन, बाय बाय।